दूसरी जानिब शहबाज शरीफ आज बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोपहर का खाना एक साथ खाएंगे। मौजूदा सियासी सूरतेहाल समेत कानूनी केसेस पर भी मुशावरत की जाएगी। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा दानियाल राठौर से। जी दानियाल, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनकी सेहत ठीक नहीं है और ज़मानत के बाद जो है आज रिहाई पर, उनका आज पाँचवा रोज़ है अपनी रिहाइशगाह में, और आज नवाज शरीफ जो है अपनी रिहाइशगाह में मौजूद हैं। इन्होंने मामूल के मुताबिक डॉक्टर की हदायत पर नाश्ता किया है फैमिली के हमरा, और दोपहर का जो खाना है वो भी शायद फैमिली जो है मिलकर ही आज खाएगी। शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वो उनसे मुलाकात करने के लिए आज जाती उम्र आएँगे। सपहर 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो है शहबाज शरीफ की आमद मतवक्के है, और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ समेत दीगर फैमिली के जो अहबाब हैं मिलकर दोपहर का खाना खाएंगे। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी, और कानूनी जो केसेस हैं जो शरीफ ख़ानदान पे केसेस हैं, और नवाज शरीफ की जो ज़मानत है इसको मज़ीद जो है एक्सटेंड करने के हवाले से भी बातचीत होगी, ज़ेर गौर आएंगी चीज़ें और मशावरत की जाएगी। आज के शहबाज शरीफ के आने का मकसद एक तो नवाज शरीफ की इयादत करना है, और दूसरे शरीफ ख़ानदान जो है इतवार के रोज़ सपहर का जो खाना है वो मिलकर खाते हैं, ये रवायत है पहले से, और इस रवायत को बरकरार रखते हुए शहबाज शरीफ जो है आज मुलाकात करने के लिए आएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए नवाज शरीफ की सेहत की, तो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कुल 4 रोज़ में जो है नवाज शरीफ तकरीबन 4 घंटे तक जो है वो उन्होंने अस्पताल में गुजारे हैं, जहाँ उनके शुगर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल राठौर।